जी अस्सलाम वालेकुम कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 110, टॉपिक हमारा चल रहा था रिव्यू एंगेजमेंट। आज रिव्यू एंगेजमेंट को हम कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू ये स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं आज, कंक्लूजन और रिपोर्ट ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने पहले पढ़ लिए थे, रिव्यू एंगेजमेंट कैसे डिफरेंट है ऑडिट और दूसरी रिलेटेड सर्विसेज से, ये हमने कल स्टडी किया। रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होनी चाहिए, वो स्टडी कर लिया हमने। खास तौर पर रिव्यू एंगेजमेंट में प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, हमने वो भी स्टडी कर लिया। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन रह गए थे, वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन हम आज स्टडी करेंगे। और मैंने आपको रीडिंग असाइनमेंट दी थी कि रिव्यू रिपोर्ट को आपने रीड करके आना है। तो उम्मीद है आपने नहीं पढ़ा होगा कोई, एज यूजुअल जैसे पहले, इसीलिए रिव्यू रिपोर्ट को हम क्लास में भी स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। मैं आपके साथ रीडिंग कराता हूँ, उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। रिव्यू एंगेजमेंट में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने प्री कंडीशन के बारे में स्टडी कर लिया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट स्टडी कर लिया, प्रोसीजर स्टडी कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिए प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद डिसाइड करना होता है टाइप ऑफ कंक्लूजन कौन सा एक्सप्रेस करना है हमने, और फिर उसके मुताबिक रिपोर्ट हमने ड्राफ्ट करनी है। तो टाइप ऑफ कंक्लूजन क्या है, ये टाइप ऑफ कंक्लूजन वही है जो हमने ऑडिट बोर्ड में स्टडी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिस स्टेटमेंट ऑडिट में थी मिस स्टेटमेंट, रिव्यू में भी वो मिस स्टेटमेंट ही होगी। जो स्कोप लिमिटेशन ऑडिट में स्कोप लिमिटेशन थी, रिव्यू में भी वही स्कोप लिमिटेशन होगी। जो जिस तरीके से मटेरियलिटी लेवल हम डिसाइड करते थे ऑडिट में, उसी तरीके से मटेरियलिटी लेवल रिव्यू में डिसाइड होगा। यानी सारी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से आपको क्वेश्चन में दी होगी, आपने उसी तरीके से इसका एनालिसिस करना है। स्टेप नंबर वन, डिसाइड करना है मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है। स्टेप नंबर टू, आपने डिसाइड करना है इसका इफेक्ट क्या है, इमटीरियल, मटीरियल या परवेसिव। और फिर उसके मुताबिक अगर मटेरियल है और मिस स्टेटमेंट है क्वालिफाइड कंक्लूजन, मटेरियल है परवेसिव है एडवर्स कंक्लूजन, मटेरियल है स्कोप लिमिटेशन है क्वालिफाइड कंक्लूजन, परवेसिव है स्कोप लिमिटेशन है डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन, उसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। फिर इसी तरह एमसीएस ऑफ मैटर और अदर मैटर की एग्जांपल्स भी वैसे ही हैं, उन्हीं उसी तरीके से रिव्यू रिपोर्ट में भी एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर पैराग्राफ भी आ सकते हैं। क्या रिव्यू रिपोर्ट में एमसीएस ऑफ मैटर अदर मैटर पैराग्राफ आ सकते हैं? यस आ सकते हैं। सिर्फ आज दो फर्क बताए थे आपको, रिव्यू रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर हम इंक्लूड नहीं करते, और दूसरा अगर कोई गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी हो तो उसे अलहदा से गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा में मेंशन नहीं करते, बल्कि एमसीएस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ही इंक्लूड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जिस तरीके से हमने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने से पहले उसके एलिमेंट स्टडी किए, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट को रीड किया था, याद है आपको, उसी तरीके से हम देखते हैं रिव्यू रिपोर्ट में क्या एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, और फिर इसके बाद एक रिव्यू रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि क्या उसी तरीके से रिव्यू रिपोर्ट ड्राफ्ट हुई है, कोई कमी बेशी तो नहीं। तो रिव्यू रिपोर्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स है, सबसे पहले टाइटल। अच्छा ऑडिट में भी टाइटल होता था, फर्क क्या होगा, यहां पे जो टाइटल होगा वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं होगा, बल्कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स रिव्यू रिपोर्ट होगा। क्या रिव्यू में प्रैक्टिशनर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, वो कोड ऑफ एथिक्स की सारी रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हमने ऑडिट में स्टडी की थी वो रिव्यू में भी अप्लाई होगी। टाइटल के बाद एड्रेसी, रिव्यू रिपोर्ट में एड्रेसी कौन होंगे? अब ये चूंकि अक्सर ज्यादातर केसेस में रिव्यू रिपोर्ट नॉन स्टैट्यूटरी होती है, तो इसमें लाजमी नहीं कि हमेशा एड्रेसी मेंबर्स हों, मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेंबर्स के अलावा कुछ दूसरे लोग भी हो सकते हैं, बैंकर्स वगैरह हो सकता है कि रिव्यू रिपोर्ट किसी खास पर्पज के लिए बनाई गई हो। तो अगर किसी खास पर्पज के लिए बनाई गई है रिव्यू रिपोर्ट, तो फिर इसका जो एड्रेसी होगा वो भी वो खास बंदा होगा जिसके लिए रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है, जैसे बैंकर्स वगैरह हो सकते हैं, एफबीआर, बिल्कुल रेगुलेटर भी हो सकते हैं, बैंकर्स रेगुलेटर एग्जाम्पल। फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि हमने रिव्यू किया, आपको याद है ओपिनियन पैराग्राफ में ओपिनियन के अलावा भी कुछ इंफॉर्मेशन होती थी, ओपिनियन फौरन ही दिया जाता था, हाँ पता है पहले क्या किया, किसका किस फाइनें किस साल का किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे भी आएगी, लेकिन कहां पे? अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी शायद कल के ऑडिट एंगेजमेंट के ऊपर भी स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, जिन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म, इसके ऊपर भी ISRA। और मैंने आपको बात बताई थी कि IFAC ने ISAs को रिवाइज किया, लेकिन ISRE को अभी फिलहाल रिवाइज नहीं किया, ठीक है।
इसीलिए आईएसआरई में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुराने फॉर्मेट के मुताबिक चल रही हैं। जैसे पुराने फॉर्मेट में कंक्लूजन एंड पे हुआ करता था, तो यहां पे भी आपको जो कंक्लूजन नजर आएगा ना एंड पे नजर आएगा, ठीक है, ये फर्क। और फिर आपको बताया था कि अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हो गया, उनके मुताबिक गोइंग कंसर्न का अलग पैरा आता है, रिव्यू रिपोर्ट में अलग पैरा नहीं आता क्योंकि ये पुराने स्टैंडर्ड के मुताबिक ही चल रहा है। तो इसीलिए वो जो इंफॉर्मेशन कंक्लूजन में आती है, वो इंफॉर्मेशन जो कंक्लूजन में आती है ऑडिट के, वो यहां पे कहां पे आएगी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, यानी यूं समझ लीजिए ऑडिट में ओपिनियन पैराग्राफ यहां पे वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। शुरू वाला हिस्सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लगा आ गया, जिसमें कहता है वी हैव रिव्यूड किस एंटिटी का, उसका नाम, किस पीरियड का, पीरियड, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आएगी, और जो कंक्लूजन है वो नीचे आएगा अलहदा से। कहिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से, या स्टडी करेंगे वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। हाँ, ये अहम चीज है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिव्यू, या इसको स्कोप ऑफ रिव्यू कह ले, के रिव्यू के स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल हैं, ये हम खास तौर पर रिपोर्ट में बताते हैं। और आपको याद होगा कि कल इंगेजमेंट लेटर की टर्म्स में भी हमने ये स्टडी किया था कि स्कोप ऑफ रिव्यू के बारे में स्टडी बताएंगे, यानी ये बताएंगे कि ये इंगेजमेंट ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है बल्कि रिव्यू इंगेजमेंट है। उसी तरह इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, किस चीज को हाईलाइट करने के लिए कि ये इंगेजमेंट ऑडिट इंगेजमेंट नहीं, उससे डिफरेंट है, रिव्यू इंगेजमेंट है, कहीं यूजर्स सादगी में ये ना समझ लें कि ये तो ऑडिट रिपोर्ट जैसी ही है, ऑडिटर ही दी है, वही फर्म है, ये ऑडिट रिपोर्ट ही होगी, ना 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 ना। इसीलिए एक तो टाइटल से पता चल जाता है, लेकिन टाइटल के बाद हम खास तौर पे ये एक पैराग्राफ भी इंक्लूड करते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कोप ऑफ रिव्यू, जिसमें क्या बताते हैं, नाम से जाहिर है रिव्यू को डिस्क्राइब करते हैं, या स्कोप बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। जैसे इसमें, इस पैराग्राफ में क्या, ये पैराग्राफ आपका सबसे अहम है, ये पैराग्राफ एडिशनल, इसमें बताते हैं रिव्यू में, ये रिव्यू एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, कौन सी एंगेजमेंट है, लिमिटेड। इसमें कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, इंक्वायरी एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। इंक्वायरी किस किस्म की जाएगी, इंक्वायरी में क्या इंक्वायरी की जाती है, कल पढ़ा था, रिवाइज नहीं किया, घर जाके पढ़ा भी था, क्या इंक्वायरी की जाती है, रिलेटेड पार्टीज के बारे में इंक्वायरी किया जाता है। और अच्छा मुझे यह बताइए, रिलेटेड पार्टी में क्या सारे प्रोसीजर जो ऑडिट में परफॉर्म किए जाते हैं वही रिव्यू में किए जाएंगे, नहीं? अच्छा, क्या क्लाइंट से पूछा जाएगा सर आपकी क्या कोई रिलेटेड पार्टीज हैं, और अगर रिलेटेड पार्टीज हैं उसकी ट्रांजैक्शंस हैं तो हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, पूछा जाएगा, ठीक है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी हमने, देख लिया, ठीक है। अगर तो वो लिस्ट वही है जो फॉर एग्जाम्पल पिछले साल थी, तो ऑडिट तो रिव्यू वहीं पर खत्म। अगर उसमें इंक्रीज हुआ या कोई डिक्रीज, कोई एडलेस हुई है रिलेटेड पार्टी, क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे, सेटिस्फाइड इंक्वायरी दे दी, खत्म। तो प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज वो तो बहुत कम हो गए, सिर्फ इंक्वायरी के ऊपर आ गए, ठीक है। लेकिन अगर रिव्यू में कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हमें कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाए जो पहले क्लाइंट ने हमें नहीं बताई रिव्यू में, क्या अब भी हमारे प्रोसीजर वही रहेंगे इंक्वायरी एनालिटिकल, कि अब हमें अदर रिव्यू प्रोसीजर, अब हमें फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? हाँ, ये चीजें हमें रखिएगा, नॉर्मली हमारे प्रोसीजर इंक्वायरी एनालिटिकल और अदर की हद तक रहते, लेकिन अगर रिस्क अराइज हो जाए तो फिर हम फर्दर प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इवन हमारे प्रैक्टिकली कुछ क्लाइंट ऐसे होते थे जिनमें हम रिव्यू में भी टेस्ट ऑफ डिटेल्स और टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते थे, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है नॉर्मली, क्यों किया करते थे, उनमें रिस्क ज्यादा होता था। जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि रिव्यू में तो हम कमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर वही रूल होगा, रिस्क के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, रिस्क बढ़ गया तो प्रोसीजर भी बढ़ा। लेकिन अगर कोई रिस्क सिग्निफिकेंट सामने नहीं आता तो हम इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर ही परफॉर्म करते हैं। आगे चला, प्रोसीजर्स आर लेस देन ऑडिट, इसमें जो क्यों लेस देन है, ये स्कोप ऑफ रिव्यू क्लियर हो गया, इसमें तीन चीजें बता रहे हैं हम, एक कि एश्योरेंस लेवल कम है, प्रोसीजर कम है, और फिर जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो उनके नाम बता दिए, इंक्वायरी एनालिटिकल एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर। फिर कंक्लूजन उसी तरीके से डिसाइड करते हैं, ये कंक्लूजन डिसाइड करने का क्राइटेरिया सेम है जो ऑडिट में था, एमसीओ मैटर द मैटर आ सकता है, यस इफ रेलिवेंट है तो आ सकता है, डेट
अच्छा रिव्यू में क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर किया जाता है? क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड किया जाता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन सेंड नहीं किया जाता। अच्छा एक और चीज बताइए, क्योंकि ये बेसिकली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आ जाएंगे ना, सैम्पलिंग की तरफ आ जाएंगे। क्या रिव्यू में इन्वेंट्री को वेरीफाई करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना रिक्वायर्ड है? नहीं, रिव्यू में रिक्वायर्ड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आ जाता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नॉर्मली नहीं है। अगर आपको स्टॉक शेयर्स मिल जाएं और बैलेंस उनका तकरीबन वही है जो पिछले कई महीनों या कई लास्ट ईयर में था, कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, तो स्टॉक काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। डेटर्स का एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया, रेशोज वगैरह कैलकुलेट की, ये एनालिटिकल इंक्वायर किया डिस्काउंट पॉलिसी के बारे में, क्रेडिट रेट के बारे में। अगर इंक्वायरी से, एनालिटिकल प्रोसीजर से कोई रिस्क सामने नहीं आता, वही काम खत्म। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म नहीं करने। हाँ, लेकिन अगर कोई एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्वायरी से रिस्क सामने आ जाए, तो मुझे बताइए क्या एजिंग ऑफ इन्वेंट्री, इसका एनालिसिस करना रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड। स्टॉक काउंट करना था, नहीं रिक्वायर्ड, तो एजिंग कैसे रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, एजिंग ऑफ रिसीवेबल रिक्वायर्ड है, जब कन्फर्मेशन लेटर सेंड करना रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर रिस्क हो, ये कर सकते हैं। अगर आपको ये रेंट पे लगे कि बहुत सिग्निफिकेंट सेल्स रिकॉर्ड हो गई है, तो फिर ये नहीं है कि हम कहें कि रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं नहीं, फिर रिस्क की वजह से जरूरी हो जाता है ये प्रोसीजर भी बढ़ाना। सिग्नेचर प्लेस, सिंपल सिग्नेचर प्लेस तो पता ही है ना, सिग्नेचर कौन करता है? साइन प्रैक्टिशनर। अगर अगर पार्टनरशिप फर्म है, चार पार्टनर हैं, इंगेजमेंट पार्टनर करेगा और फर्म का नाम आएगा। चलिए ठीक, क्या रिव्यू में विड्रॉ की ऑप्शन हो सकती है? यस, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कर सकते हैं। देखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के वक्त हम ये देखते हैं ना कि क्लाइंट में इंटेग्रिटी नहीं है। सिंपल रूल याद रखें, स्टैंडर्ड ये कहता है एक्सेप्टेंस के वक्त अगर किसी चीज को आपने देखना था और डिसाइड करना था, अगर ये है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर वही चीज बाद में सामने आ जाए तो विड्रॉ कर लें। ये बात नहीं है कि एक दफा एक्सेप्ट कर लिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने इंटेग्रिटी को देखा, मैनेजमेंट की इंडिपेंडेंस को देखा। अगर ड्यूरिंग रिव्यू पता चलता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंट नहीं है, विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब गैस कीजिए, हम क्या करने लगे हैं? शाबाश, रिपोर्ट को पढ़ने लगे हैं। क्या वो हमसे रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग करवा सकता है? पूरी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग नहीं करवा। अच्छा, इसका असूल वैसा ही है जैसा ऑडिट रिपोर्ट का था। पूरी रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग नहीं करवाएगा, लेकिन क्या ओपिनियन पैराग्राफ की ड्राफ्टिंग करवा सकता है? कंक्लूजन की ड्राफ्टिंग करवा सकता है? यस, करवा सकता है। या कोई एक पैराग्राफ दे के हमें कह दे इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो, क्या वो करवा सकता है? यस, वो करवा सकता है। तो तैयार रहिएगा। क्या मैंने आपको इसलिए, इसके लिए तैयार करवाया हुआ है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट सामने आ जाए तो उसमें से एरर्स आइडेंटिफाई कर सके? गलत ऑडिट रिपोर्ट दे दे, कोई एक दो पैराग्राफ गलत दे दे, क्या इसके क्वेश्चन किए हमने? बिल्कुल। क्या इसके क्वेश्चन किए? अगर वो कहे इस सिचुएशन में एमसीओ मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करो, अदर मैटर करो, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी करो, ड्राफ्टिंग भाई इसकी करवाई है, की ऑडिट मैटर की भी करवाई है, एमसीओ मैटर की भी करवाई है, अदर मैटर की भी करवाई है, खुदा का खौफ कर, सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन की नहीं करवाई। ये नहीं कहने वाले थे आप, ये अब कहना पड़ा है आपको। एसी ऑन करवा दे यार, मुझे गुस्सा आ गया। ये वाला वो है, ये कोई एसी ऑन करवा दे, कोई है ठीक है, ये एसी ऑन करवा भाई, बस कर दे, बस कर दे। तो ये जहन में रखिएगा, आपको एमसीओ याद नहीं है, एरर्स आइडेंटिफाई किए थे हमने एमसीओ मैटर में, जब उसने एंड पे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट, ये नहीं लिखा हुआ था। वो जब गोइंग कंसर्न का पैरा था उसमें नोट्स और अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं लिखा हुआ था उसने, ये आइडेंटिफाई नहीं करवाए थे, सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग ये नहीं करवाई। अनमॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग करवाई है क्या? मुकरे तो नाना, इतना शुक्र है रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो अगर कोई शक करेगा तो उसको रिकॉर्डिंग में दिखा दिया जाएगा। सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन की ड्राफ्टिंग। अब सुन लें, उसी तरीके से रिव्यू रिपोर्ट में भी आपको या तो कोई भी एक पैराग्राफ ड्राफ्ट करने को कह सकता है, या किसी गिवन पैराग्राफ में एरर्स आइडेंटिफाई करने को कह सकता है। अभी तक इन दोनों में से उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से इसमें ऑडिट रिपोर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉजिकल है उसी तरीके से रिव्यू रिपोर्ट में भी पूछ सकता है, चाहे अभी तक पूछा नहीं है।
ज्यादातर जो उसने पूछा है वो इजी क्वेश्चन पूछा है प्रोसीजर्स के हवाले से, या एक दो दफा उसने डिफरेंस पूछ लिया, लेकिन आप जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। इसीलिए आप ये रीडिंग करवाने का मकसद क्या है कि अगर आपको वो कोई एरर्स आइडेंटिफाई करने को कहे, आपको पता हो कि किस पैराग्राफ में कौन सी इंफॉर्मेशन, वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, दो तीन दफा रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। ठीक है, हाँ, स्कोप वाला पैराग्राफ और ओपिनियन, ये दो पैराग्राफ कोशिश करें याद कर लें। कौन से पैराग्राफ? और ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, इसमें मॉडिफाइड को भी याद नहीं करना, सिर्फ अनमॉडिफाइड। कंक्लूजन, सॉरी कंक्लूजन। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, ये तो है स्टार्ट, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर रिव्यू रिपोर्ट। लफज इंडिपेंडेंट से क्या पता चल रहा है कि इस पे भी रिव्यू रिपोर्ट में भी कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। प्रैक्टिशनर रिव्यू रिपोर्ट, लफज रिव्यू से क्या पता चल रहा है? फिर एप्रोप्रिएट एड्रेसी जो भी हो सकता है, क्योंकि ये बाजू का जरूरत पड़ने पे रिक्वायर्ड में ला नहीं है, तो हालात के मुताबिक जो भी एड्रेसी हो, रेगुलेटर हो सकता है, कोई बैंकर हो सकता है, कोई और पार्टनर्स भी हो सकते हैं। कह रहे वी हैव रिव्यूड, नोट कीजिए रिव्यू किया, यहां पे अगर लिखा ऊपर रिव्यू रिपोर्ट, नीचे लिखा वी हैव ऑडिटेड, वी हैव रिव्यूड द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी विच कंप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दिसंबर 31, 2021 एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द एंड समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी सेट ऑफ, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा करवाया उसने, 500 चीजें देखे पूरी हैं। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अच्छा, जहन में रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट होती थी कंक्लूजन से, रिव्यू रिपोर्ट कंक्लूजन से नहीं स्टार्ट हो रही, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन से। क्यों भला? क्यों? ये पुराना फॉर्मेट है शाबा। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग आ रही आगे, कह रहे मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS फॉर SMEs, IFRS फॉर SMEs, मालूम है? जिससे हमें पता चल रहा है कि चूंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, इसलिए इसका फ्रेमवर्क IFRS नहीं है, बल्कि सिंप्लीफाइड वर्जन है IFRS का। एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट डिटरमिन नेसेसिटी टू एनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई, ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि, हाँ, फर्क सिर्फ यह है कि ऑडिट रिपोर्ट में उसने गोइंग कंसर्न की खास तौर पर बात की थी, याद है आपको? ऑडिट बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गोइंग कंसर्न की बात हुई थी कि नहीं? वो यहां पे नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये पुराना है। गोइंग कंसर्न आपको पता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक मोर इंपोर्टेंट हो चुका है, लेकिन रिव्यू स्टैंडर्ड के मुताबिक वो अभी पुराना ही है, लेस इंपोर्टेंट है। प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस कंक्लूजन, ओपिनियन नहीं, कंक्लूजन ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs, हाँ, वी कंडक्टेड आवर रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद ISRE 2400, उसका नंबर ISRE 2400 रिक्वायर अस टू कंक्लूड वेदर एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज ए होल आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेगेटिव अशोरा। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, ISRE 2400 require us to conclude whether financial statements give to and fair view. Whether financial, ये ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? ये reasonable assurance की wording है। Limited याद है? Nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements are not prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. ये negative assurance है। फिर कह रहे दिस स्टैंडर्ड आल्सो रिक्वायर्स अस टू कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये हमने लफज इंडिपेंडेंट से ही पता चल गया था। क्लियर? स्कोप ऑफ रिव्यू, ए रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद ISAs इज ए, सॉरी, ए रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद ISRE इज ए रीजनेबल अश्योरेंस लिमिटेड। The practitioner perform procedure primarily consisting of making inquiries of management and others within the entity as appropriate and applying analytical procedure and evaluates the evidence obtained. यहाँ पे प्रोसीजर, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है वो बता रहा है कि हमारी अश्योरेंस कौन सी है? लिमिटेड अश्योरेंस। फिर प्रोसीजर बता रहा है और फिर अगली बात क्या थी कि ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है। The procedure performed in the review are substantially less than those performed in an audit conducted in accordance with ISAs.
कह रहा है इसमें जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं वो आईएसएस के मुताबिक जो ऑडिट किया जाता है उससे कम है। अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कह रहा है हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। स्टूडेंट कहने लगा सर इस लाइन से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि आगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा। कह रहे हैं वो अकॉर्डिंगली वी डू नॉट एक्सप्रेस ऑडिट ओपिनियन, इसका ये मतलब नहीं है कि डिस्क्लेमर आने वाला, इसका ये मतलब है कि ये ऑडिट ओपिनियन नहीं है, ये रिव्यू कंक्लूजन है। इसमें ऑडिट ओपिनियन नहीं है, रिव्यू वो कंक्लूजन किस किस्म का है वो आगे चलेंगे तो पता चलेगा। इस लाइन से आप नतीजा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसमें यह बता रहा है कि ऑडिट नहीं रिव्यू है, रिव्यू है कंक्लूजन बेस्ड ऑन आवर रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड फेयर व्यू। ये नेगेटिव इंश्योरेंस नहीं है, एक मिनट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड फेयर, क्या ये नेगेटिव इंश्योरेंस है कि नहीं? ये नेगेटिव इंश्योरेंस नहीं है, है पॉजिटिव इंश्योरेंस, लेकिन ओपिनियन एडवर्स है, ओपिनियन एडवर्स है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और ओपिनियन है, और नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल। ये और ओपिनियन है, ये और कंक्लूजन, डिफरेंट है दोनों। बाज का स्टूडेंट समझते हैं नेगेटिव अश्योरेंस और एडवर्स कंक्लूजन एक ही चीज है। नेगेटिव अश्योरेंस और चीज है और एडवर्स ओपिनियन होना और चीज है। Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that these financial statements do not present fairly in all material respects. या ये लिख लें या ये लिख लें, do not give true and fair view. एक ही बात है। और financial position of ABC company as at December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with IFRS for SMEs. Signature, date, address. तो इसमें आपने जो दो पैराग्राफ याद करने हैं वो कौन से? अच्छा एक तो आपने याद किया ही होगा, ये तो जब हमने चैप्टर वन में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़े थे ना, तो उसी में आपको कंक्लूजन तो उसी में वही अल्फाज हैं, ये तो वही से याद हो गया, और स्कोप ऑफ रिव्यू भी याद हो गया, वो भी थोड़ी देर पहले पॉइंट्स पढ़े हैं तीन, वही पॉइंट स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दे स्कोप ऑफ रिव्यू बन जाता है। ये तो याशी होगी, याद करने नहीं पड़ा दो पैराग्राफ, सबसे अहम पैराग्राफ भी रिव्यू रिपोर्ट के याद हो गए। सबसे अहम कौन से पैराग्राफ रिव्यू रिपोर्ट के याद हुए? स्कोप ऑफ रिव्यू और कंक्लूजन। एमसीक्यू तो मैटर कहां पे आएगा? कंक्लूजन के बाद, कंक्लूजन के बाद। लेकिन याद रखिए यहां पे उसकी हेडिंग देनी है, वहां पे भी देते थे, यहां पे भी देनी है हेडिंग। अच्छा एमसीक्यू मैटर ड्राफ्ट कर सकते हैं? इसकी एमसीक्यू मैटर की ड्राफ्टिंग एग्जैक्टली वही होगी। अच्छा मैं ये कहीं ऐसा ना हो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पूछे बताओ सब्सिक्वेंट इवेंट्स का ट्रीटमेंट और या मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट या कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन बना ले और एंगेजमेंट हो रिव्यू और आप उसमें कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। याद रखे जो कंसेप्ट हमने रिव्यू में डिस्कस नहीं किए लादा से वो सारे कंसेप्ट वो ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे ऑडिट में होते। चलिए ये था जी हमारा रिव्यू एंगेजमेंट। आपने होम असाइनमेंट नोट कर लिया? क्वेश्चन दो क्वेश्चन सिर्फ वॉल्यूम टू के, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू। छोड़ो ये 15-20 मिनट में आपके हो जाए, 20 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो वीकली असाइनमेंट दे रहा हो ज्यादा असाइनमेंट तो है ना दी? तो जो स्टूडेंट डेली असाइनमेंट करते आए हैं याद रखिए सिर्फ कल का दिन है, बाद में ना परसों आके कहिएगा सर मेरी असाइनमेंट पूरी है तो मुझे बताइए। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे वीक में सारी असाइनमेंट 6-7 जितनी भी असाइनमेंट थी, साथ ही शायद सात आठ जितने भी है, तो जितनी असाइनमेंट सारी की हैं आज वाली असाइनमेंट भी शामिल है, कल वाली नहीं हुई, तो वो कल पूरे दिन में किसी भी वक्त टीए रूम में आके अपना चेक करवा लें। हम पहले चेक करेंगे एक तो कंप्लीट की है कि नहीं असाइनमेंट, कंप्लीट से मुराद सारे दिन भी और हर दिन के सारे क्वेश्चन भी और हर क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट्स भी, ये याद रखिए ये हमने चेक करें। बाद में ना कहिएगा सर एक रिक्वायरमेंट रह गई थी बस, थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, जजमेंट का फर्क होता है वो जाहिर है जजमेंट का, लेकिन ये भी ना बुलेट फॉर्म में किया हो आपने सिर्फ, उसने कहा हो ए बड़ा क्वेश्चन हो 8 नंबर का इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं और आपने सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन लिख दिया हो फिर तो ना चले। जी
अगर क्वेश्चन में सिर्फ सिग्नेचर लिखा हुआ है उस जगह पे, आगे सिग्नेचर जैसे होते हैं वैसे नहीं है, डेट लिखा हुआ है, कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं है, उसने आगे क्या हुआ क्वेश्चन का, तीन क्रॉस मारे हुए थे डेट के आगे, हाँ कुछ भी ना, तो क्या हमें इसको एरर आइडेंटिफाई, प्लेस लिखा है सिर्फ, सिटी नेम नहीं लिखा, एरर आइडेंटिफाई करना चाहिए, बेहतर है करें, बेहतर है करें, क्योंकि प्लेस नहीं लिखना बल्कि प्लेस का नाम लिखना, ठीक है, डेट के आगे सिर्फ क्रॉस क्रॉस नहीं लिखना, डेट लिखना। चलिए अब आपको 2 मिनट दिए जाते हैं रिलैक्स कर लो, क्योंकि 22 से 23 पे शिफ्ट होने लगे ना, ये दो पास कर लीजिए 2 मिनट। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सेकंड लास्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर, सेकंड लास्ट, अच्छा ये मुझे बताइए खुद ने, एक मिनट हरे, रिव्यू का चैप्टर आपने पढ़ लिया सारी चीजें, डिफिकल्ट था मॉडरेट के इजी, कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में डिफिकल्ट था, कितनों का लगा मॉडरेट था, कितनों को लगा इजी था, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इससे भी इजी है, उससे भी इजी, कंसेप्ट क्या ये सुन लीजिए, कंसेप्ट क्या पहले ये सुन लें, ये सुन लें, ये चैप्टर का टाइटल है असल में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं है, इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, सॉरी क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, इन ऑडिट, ये बता क्या रहा है, अगर इस सारे की रिक्वायर, पूरे चैप्टर को एक लफ्ज में, एक सेंटेंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूं ना, तो ये चैप्टर ये बता रहा है कि हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स में कहा है ना कि ऑडिटर ये काम करेगा, फर्म के अंदर कोई जिम्मेदार बंदा चेक कर ले कि वो सारे काम हुए हो, बस बस ये रिक्वायरमेंट है इसकी, नहीं कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या क्या रहा ये कि जितने भी काम हमने इससे पिछले चैप्टर्स में कहे हैं, जैसे हमने कहा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करो, हमने कहा एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लाई करो, हमने कहा टीम सफिशिएंटली एक्सपीरियंस लेके जाओ, हमने कहा टीम इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमने कहा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लो, हमने कहा कि ये प्रोसीजर परफॉर्म करो, हमने कहा रिपोर्ट जो देनी है वो एप्रोप्रिएट हो सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, जो एविडेंस है उसके मुताबिक, ये सारी बातें हमने कही। इस चैप्टर में क्या कह रहा है कि कोई फर्म के अंदर जिम्मेदार बंदा ये चेक कर ले कि ये सारे काम अच्छे तरीके से क्वालिटी के साथ हुए हो, हुए यानी टिकू ऑडिट ना हुआ हो, क्वालिटी वाला ऑडिट हुआ हो, ये क्या कह रहा है, ये क्वालिटी वाला ऑडिट हुआ हो, ये रिक्वायरमेंट है इसके। तो इसमें इसमें उसने क्वालिटी क्या कह रहा है कि विद इन द फर्म को, फर्म को और इंगेजमेंट पार्टनर को ये चाहिए कि इंश्योर करें स्टैंडर्ड की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी हो गई हैं और एक अच्छा क्वालिटी ऑडिट कंप्लीट किया गया है, ठीक है, इसको वो कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए फर्म के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए फर्म के अंदर जो जिससे ये इंश्योर हो कि फर्म जो भी इंगेजमेंट परफॉर्म करती है क्वालिटी के साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। चैप्टर क्या कह रहा है, फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि फर्म जो भी काम कर रही है अच्छे तरीके से कर रही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो होना चाहिए, मुझे ये बताइए क्या ये सिर्फ किसी एक एलिमेंट, एक डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए कि इस सिस्टम को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी फर्म को कवर करना चाहिए, ऑडिट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको कवर करना चाहिए। इसीलिए उसने कहा कि इस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, इस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के, यानी इस क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इंश्योर किया जाएगा कि ऑडिट में जितने भी फेजेस हैं वो सारे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहे हो। अब इसके डिफरेंट टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, शायद 6 एलिमेंट्स, एक कह रहा है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, ये रिलेट करता है पार्टनर्स और उनके रोल से,
कि अच्छा क्वालिटी कंट्रोल का ऑडिट करने के लिए पार्टनर की लीडरशिप से मुराद पार्टनर्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कैसे कंप्लाई की जाएंगी, प्रोसीजर्स से रिलेटेड और असाइनमेंट ऑफ टीम से रिलेटेड। ये प्रोसीजर यहां पे एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर है। कौन से प्रोसीजर है? क्योंकि एक प्रोसीजर है जो एंगेजमेंट के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं, ये वो कल पढ़ने हैं, वो था लंबे चौड़े प्रोसीजर थे, मतलब लंबे चौड़े नहीं कुछ थोड़े ज्यादा थे, हालांकि आज के लेक्चर में आसानी के साथ वो भी कवर हो सकते थे, आसानी के साथ। लेकिन मैं कहनी अगर कवर गलती से भी करवा दिया ना, आपने कहना सर एक दिन में एक चैप्टर, तो एक दिन में एक चैप्टर वाला बात आप ना कर सके, इसीलिए जबरदस्त, हालांकि इसी चैप्टर में कंप्लीट हो रहा था, मैंने कहा नहीं करना, ब्रेक दे दें, तसल्ली से रिपोर्ट व्यू रिपोर्ट को रीड कर लें, लेकिन इसको एक लेक्चर में नहीं भड़काना। इसीलिए टोटल छह एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेलिवेंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस, असाइनमेंट ऑफ टीम, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन। आज सारे एलिमेंट्स नहीं पढ़े, ठीक है? हाँ, सिर्फ हम चार एलिमेंट्स पढ़े हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर, असाइनमेंट ऑफ टीम। अच्छा, ये जो दो पॉइंट है ना, ये जनरल है, जो बताते हैं कि एंगेजमेंट पार्टनर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सुन लें, इस स्टैंडर्ड की क्या जरूरत थी, ये जो क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है इसकी क्या जरूरत थी, कहता है इसका मकसद सुन ले, टू इंप्लीमेंट ए सिस्टम टू इंश्योर एंगेजमेंट इज परफॉर्म एज पर लीगल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का मतलब ISAs, लीगल स्टैंडर्ड का मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। क्या कह रहा है, इसका मकसद क्या है स्टैंडर्ड का? इंश्योर करना कि ऑडिट ISAs के और लॉ के मुताबिक हुआ है और जो रिपोर्ट दी जा रही है वो अप्रोप्रिएट, दो नंबर रिपोर्ट नहीं दी जा रही, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। यानी इसमें बेसिकली हम ये चेक कर रहे होंगे कि क्या हमने लॉ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी को इंश्योर करना विद इन एन ऑडिट एंगेजमेंट। क्वालिटी को इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? एंगेजमेंट पार्टनर। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज में रखिएगा, ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये पार्टनर पे भी है, फर्म पे भी है। प्रैक्टिस में पता क्या होता है, फर्म एक्सेप्ट करती है पहले किसी क्लाइंट को, उसके बाद उस क्लाइंट को एलोकेट किया जाता है किसी पार्टनर को। बाज का तो फर्म में एक्सेप्टेंस के लिए पार्टनर्स ही लादा होते हैं, जिनका काम ये होता है डिसाइड करना, बोर्ड समझ ले, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, कि हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद देखते हैं कौन सा पार्टनर फारिग बैठा है, उसको एलोकेट कर दिया जाता है। तो जो अब खुद जरा सोचिए, सोचिए जरा, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस स्टेज में चेक करना चाहिए, एक्सेप्टेंस स्टेज में चेक करना चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं, ड्यूरिंग ऑडिट भी चेक करना चाहिए। अब मुझे बताइए, एक्सेप्टेंस स्टेज पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस कौन देख रहा होगा भला? पार्टनर नहीं, फर्म देख रही होगी, वो फर्म लेवल पे देखा जाता है। और ड्यूरिंग एंगेजमेंट पार्टनर, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, ये बेसिकली पार्टनर्स के लिए है, ठीक है। यह है ISA 220। एक और स्टैंडर्ड है, वो भी क्वालिटी कंट्रोल का, उसका नाम है ISQC 1, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो फर्म के लिए है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ वो वाला क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि पार्टनर्स पे एप्लीकेबल है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि स्टार्ट के वक्त, स्टार्ट में फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैल्यूएट करना कोई एथिकल थ्रेट तो नहीं है, और अगर कोई है एथिकल थ्रेट तो फिर उसके या तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना या एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करना, रिफ्यूज करना। फिर पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बाद, ठीक है। यहां पे जो बात देखिए, आप पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे बात करेगा ना, एक्सेप्टेंस क्या कहता है, पार्टनर अलर्ट रहे थ्रू आउट एंगेजमेंट। क्यों अलर्ट रहे? क्योंकि हो सकता है कि कोई कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस सामने आ जाए एंगेजमेंट के दौरान में, कोई शेयर बाय कर ले टीम मेंबर, नॉन कंप्लायंस आ जाए। अगर कोई नॉन कंप्लायंस आए तो फिर क्या करना है? एप्रोप्रिएट एक्शन डिटरमिन करना है, किसने? पार्टनर्स ने। और ये तो करना है ना पूरे ऑडिट के दौरान, स्टार्ट में किसने काम करना था? फर्म। ऑडिट के दौरान में लड़ रहना है,
पार्टनर है, और एंड में कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि क्या हमारी पूरी टीम इंडिपेंडेंट है, पूरी टीम इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जिससे पता चले इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो सेफगार्ड अप्लाई करे, यानी यही ऊपर वाली बात कर रहा है। इन शॉर्ट एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टेप नंबर वन, फर्म एक्सेप्टेंस लेवल पे चेक करें, एक्सेप्टेंस स्टेज पे कि एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, क्लियर। स्टेप नंबर टू, पार्टनर जब एलोकेट हो जाए तो वो चेक करे कि क्या क्या, अच्छा सुनिए जरा, क्या इस क्लाइंट के स्टार्ट में फर्म ने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस देखी है, ये देखना चाहिए पार्टनर को। दूसरे नंबर पे खुद भी अलर्ट रहे, खुद भी थ्रू आउट द एंगेजमेंट अलर्ट रहे कि कोई नॉन कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं है, और अगर नॉन कंप्लायंस सामने आए तो क्या करें, एप्रोप्रिएट एक्शन ले, और एंड में एक ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करें कि उसके ख्याल में सारी टीम थ्रू आउट द एंगेजमेंट इंडिपेंडेंट रही है कि नहीं, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं रही थी तो हमने क्या एक्शन लिए थे। समझ आई बात, ओवरऑल कैसे इंश्योर करेंगे हम कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया गया है। आप फर्ज कीजिए, आप आईकैप का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने के लिए आए, आप कैसा ऑडिट किया, क्वालिटी वाला किया है, तो हमने कहा सर बेहतरीन क्वालिटी वाला किया है। आपका पहला क्वेश्चन क्या एथिकल एक्सेप्टेंस था, नहीं नहीं, पहला क्वेश्चन क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, नहीं किया था, चलो फिर हमारे साथ जेल में डाले तुम्हें, ऐसे तुम्हें पता ही नहीं कोड ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा। ऑडिटर रिव्यू एंगेजमेंट में भी और ऑडिट एंगेजमेंट दोनों भी एथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, क्यों नहीं किया? इसका नाम लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से खारिज कर दो। हाँ भाई, आपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया, हाँ अब किया। स्टेप नंबर वन क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेंस स्टेज पे देखनी चाहिए या एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के बाद भी? एक्सेप्टेंस स्टेज पे आपने देखे कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ये फर्म ने देखे, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस के बाद क्या एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस इंश्योर किया आपने? अब ये किसने करनी थी? पार्टनर ने। पार्टनर ने एक तो ये देखता है कि टीम सारी इंडिपेंडेंट हो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया हो, अगर कोई वायलेशन सामने आती है उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया हो। एंड पे पार्टनर ने एक ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, क्या उसकी सारी टीम थ्रू आउट द ऑडिट इंडिपेंडेंट रही थी कि नहीं, और अगर कोई भी वायलेशन हुई थी उसके ऊपर हमने क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया, ये डॉक्यूमेंट करें। पार्टनर ने याद रखे थ्रू आउट द ऑडिट लड़ रहना, क्योंकि वायलेशन स्टार्ट ऑफ द ऑडिट भी हो सकती है, ड्यूरिंग ऑडिट भी हो सकती है। आगे चलते हैं, अब बाकी के प्रोसीजर हमारे इंटरलिंक्ड है। देखें, अब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बेसिकली हर फेज पे अप्लाई होना चाहिए, एग्रीड। एक्सेप्टेंस स्टेज पे अप्लाई होना चाहिए, असाइनमेंट ऑफ टीम के वक्त पर प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, तब तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और फिर इन सारे एलिमेंट्स की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर में अगेन उसी तरह फर्म ने इंश्योर करना है क्या कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करे, फर्म परफॉर्म करेगी, पार्टनर इंश्योर करेगा क्या कि प्रोसीजर परफॉर्म हो चुके हैं और कंक्लूजन ठीक है। फिर से सुन ले, गलती ना खाइएगा, फर्म में भी एक करेगी फर्म, पार्टनर बाद में देखेगा कि क्या प्रॉपर एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म हुए और कंक्लूजन से, ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल थी लेकिन उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और अगर ड्यूरिंग तकरीबन उसी से मिलता जुलता जिस तरह यहां पर था, और अगर ड्यूरिंग ऑडिट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आए जो एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट कर रही हो, विड्रॉल का डिसीजन पार्टनर अकेला नहीं करता, पार्टनर फर्म को बताता है, फर्म फिर डिसाइड करते हैं कि हमने विड्रॉ करना है कि नहीं करना। क्लियर? देखिए, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स में भी ये चीजें थी, फर्म एक्सेप्टेंस के वक्त इंश्योर करेगी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, पार्टनर फिर इंश्योर करेगा जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस स्टार्ट में इंश्योर हो चुकी है और थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहेगा, अगर कोई वायलेशन आती है उसके ऊपर खुद एक्शन लेगा, क्योंकि उसके अंदर देखें एथिकल रिक्वायरमेंट्स में और एक्सेप्टेंस में यह फर्क है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में दरमियान में कोई इशू आता है ना तो पार्टनर उसके ऊपर खुद एक्शन ले रहा है, लेकिन एक्सेप्टेंस डिसीजन से रिलेटेड कोई दरमियान में इशू आता है तो एंगेजमेंट पार्टनर खुद डिसीजन नहीं ले रहा, फर्म को कम्युनिकेट कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अप्रोच सेम है। असाइनमेंट ऑफ टीम,
जो बताइए, एक क्वालिटी ऑडिट करने के लिए कैसी टीम होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जिसके पास कॉम्पिटेंस हो, कैपेबिलिटी हो, जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट को भी पॉइंट किया जाए। क्लियर भैया? मुझे बताइए, एक क्या ऑडिट एंगेजमेंट में, देखिए अभी टाइम है लेकिन गुजारना है, हालांकि हो सकता था पूरा चैप्टर हो सकता था, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से इसको अगले लेक्चर में कन्वर्ट किया, ताकि आप ये ना गए, नहीं नहीं एक ना 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 ना, आप फिर कहेंगे सर मैं एक दिन में एक चैप्टर फुड़का दिया ना, कहेंगे आप, नहीं करवाना, नहीं करवाना। पहले मुझे क्विकली इसकी समरी मुझे बताइए, ऑडिट सारा हमने कर लिया, रिपोर्ट भी दे दी, क्या हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा सिस्टम इन प्लेस हो जो इंश्योर करे कि सारी आईएसएस की रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, और जो रिपोर्ट हमने दिया बिल्कुल ठीक दिया। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के 6 एलिमेंट्स हैं, यानी क्वालिटी 6 एरियाज में इंश्योर कर लेना कि क्वालिटी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो सारा ऑडिट पार आपका 6 एरियाज में। कौन कौन से 6 एरियाज है एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम? लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर, असाइनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मॉनिटर। भाई आप खुद बताइए, अगर तसल्ली हो जाए कि एथिकल रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो गई, तसल्ली हो जाए कि एक्सेप्ट करने का डिसीजन ठीक था, तसल्ली हो जाए टीम जो हमने एलोकेट की वो भी बेहतरीन थी, तसल्ली हो जाए हमने जितने भी प्रोसीजर एंगेजमेंट पे परफॉर्म किए हैं वो सारे बिल्कुल ठीक थे, तसल्ली हो जाए कि कोई बंदे ने मॉनिटरिंग की थी पूरे ऑडिट में, अगर कहीं पे कोई गलती हो रही तो वो हमें हाईलाइट होकर सामने आ गई, सारी चीजें तसल्ली हो गई हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी क्वालिटी का ऑडिट गया। तो एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कितने? 6। आज हमने पढ़े हैं 4। कौन कौन से? लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर नहीं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर, असाइनमेंट ऑफ, असाइनमेंट ऑफ टीम में क्या इंश्योर करना चाहिए अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करें, कॉम्पिटेंट एंड कैपेबिलिटी वाले टीम मेंबर एलोकेट किए गए हों, और अगर एक्सपर्ट की जरूरत है वो भी पॉइंट किया गया हो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताता है? ये सारे क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? इंगेजमेंट पार्टनर को। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस स्टेज पे कैसे इंश्योर करेंगे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन? ये फर्म एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर परफॉर्म करेगी, इंगेजमेंट पार्टनर इवेल्युएट करेगा कि वो प्रोसीजर परफॉर्म हो गए हैं, और इंगेजमेंट पार्टनर थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहेगा अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है जो एक्सेप्टेंस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती थी, क्या वो खुद विड्रॉ कर लेगा? फर्म को कम्युनिकेट करेगा। और कंप्लाइंस एथिकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कैसे इंश्योर करेंगे आप कि आपकी फर्म है उसके अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो रही हो? कैसे इंश्योर करेंगे आप? सबसे पहले फर्म एक्सेप्टेंस स्टेज पे इंश्योर करेगी कि फर्म उस क्लाइंट से जिसको एक्सेप्ट करने जा रही है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। फिर क्या होगा भाई बता दे? पार्टनर को चेक करेंगे कि पार्टनर चेक करेगा? पार्टनर क्या चेक करेगा कि एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस पूरा किया गया? पूरा किया गया है, पार्टनर खुश होकर सोने चला गया, उसे उठा के वापिस लेके आएंगे, उसे कहो अभी नहीं सोना, क्यों? कहना ड्यूरिंग ऑडिट भी तो नॉन कंप्लायंस हो सकते हैं। टीम पे नजर रखो, टीम पे नजर रखो। किस लिए नजर रखो? कि अगर कोई इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट की वायलेशन सामने आती है, अगर कोई वायलेशन सामने आए एप्रोप्रिएट एक्शन ले। अब ये एप्रोप्रिएट एक्शन कहां पे लिखा हुआ है भला? कोड ऑफ एथिक्स में सारे एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं पड़े? और एंड में उसने देखे, ये कसम किसने खानी है? कसम किसने खानी है कि हमारे ऑडिट में कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है? पार्टनर में ओवरऑल कंक्लूजन भाई बात समझ आई? सेकंड क्लास में क्या पढ़ाना है? ऑडिट नहीं नहीं, सेकंड क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसकी कुछ एक दो केस स्टडीज, दो केस स्टडीज मैं करवाऊंगा, दो केस स्टडीज आपको होम असाइनमेंट के तौर पर मिलेंगी, रिटर्न फॉर्म में करने हैं। एक लेक्चर में तो नहीं ना हुआ, एक लेक्चर और चीज है, एक दिन और चीज है। बात एक नहीं थी,
चलिए फिर अब मेरा टाइम हो गया, हाँ चलिए ठीक है, चलिए आज का लेक्चर, हाँ उसके बाद आईटी का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, हाँ लेकिन हल्की आंच में, हल्की हल्का सादा कंसेप्ट, सादा आज के दिन में हैवी कंसेप्ट कोई नहीं, वैसे हैवी कंसेप्ट है भी नहीं कोई, अच्छा मॉडरेट। आईटी वाला चैप्टर इतना आसान नहीं है, आईटी वाला चैप्टर इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आईटी वाला चैप्टर है चैप्टर 18 के इक्वल, चैप्टर 18 याद है वो इंटरनल आईटी एक्सपर्ट वाला, उसमें जितने उसमें क्या था आपको याद करना पड़ा था ना, केस स्टडीज कम थी याद करने वाला मटेरियल ज्यादा था, उसी तरह ये आईटी वाला चैप्टर भी है, केस स्टडीज कम बल्कि ना होने के बराबर, याद करने वाला मटेरियल ज्यादा। चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।